हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 का फॉर्म 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 13 मई 2024 से। सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे जितना मैंने बोला था। जो भी अगर कुछ करेक्शन वगैरह कराना, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन वगैरह कराना, अप्लाई कर दो। करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करना, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। ओके, और फॉर्म कैसे भरना प्रॉपर तरीके से, 13 तारीख को जब पूरा खुल जाएगा उसका फॉर्म भरने का साइट, उसके बाद मैं एक बार अच्छे से सेशन रिकॉर्डिंग करके आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे से आपको भरना, ओके, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और फॉर्म भी महंगा है, पता है ना आपको, 649 टैक्स लगा के फॉर्म फीस पहुंचता है। एसएसआर एमआर दोनों का फॉर्म भर सकते हो आप, एक साथ भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। बट आपको समझना पड़ेगा, दोनों का एग्जाम अलग देना होगा, मतलब दोनों का देने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक दोगे दूसरा रुक सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों देने का मौका मिलेगा अगर आप दोनों भरे हो। लेकिन दोनों का पैसा अलग अलग लिया जाता है, जैसे एयरफोर्स एक्स वाई में होता है ना कि वो एक साथ ले लेते पेमेंट, उतने एक ही के बराबर, वैसा यहाँ पे नहीं। तो आपको दोनों का मिला के पैसा अलग अलग देना होगा ना। तो ये सारी चीजें आप फॉर्म का देख लीजिएगा, मैं इस पर वीडियो काफी कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मुद्दा उठ रहा था एनसीसी को लेके, एनसीसी वाले बच्चों को क्या बेनिफिट हो सकता है नेवी में। बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन सर्टिफिकेट डिपेंड करता है आप कौन से सर्टिफिकेट की बात करो, ए बी सी। तो ये देखेंगे, नेवी अग्निवीर का हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल ऑफिशियल, 100% ऑफिशियल, देख सकते हो, है ना, हर काम देश के नाम। तो यहाँ पे जब नीचे आओगे, यहाँ पे मैंने हालांकि देख चुका है पहले, तो जब आप सर्च करोगे, ठीक है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, नेवी एसएसआर या कह दो नेवी अग्निवीर, तो आपको ये साइट सीधे सीधे भेज देगा। अग्निवीर एंट्री के अंदर आपको आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कैंडिडेट होल्डिंग एनसीसी सर्टिफिकेट। तो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को जब ओपन करूंगा मैं, तो यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज लिख रखा है। आइए इसको देखते क्या क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी और एनसीसी सी, तीनों को कंसिडर किया गया। इसने बताया यहाँ पे स्टेज वन, यानी हम रिटन एग्जाम की बात करें, और स्टेज टू, ये भी रिटन एग्जाम की बात करें। ये हमारा INET, यानी कि जो ऑनलाइन वाला है उसकी बात कर रहा है, ऑनलाइन वाला जिसको स्टेज वन बोला जाता है, और ये हमारा ऑफलाइन वाला है, ये स्टेज टू होता है। ऑनलाइन वाला एग्जाम और ऑफलाइन वाले में क्या क्या है अंतर, फायदा देखिए, एनसीसी जिसके पास ए सर्टिफिकेट बेटा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है यहाँ पे स्टेज वन के अंदर, यानी ऑनलाइन जो रिटन एग्जाम होगा, जितना सभी बच्चों का नंबर माना जाएगा उतना आपका माना जाएगा, उसमें आपको एक पैसे या कह दीजिए एक नंबर का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को भी स्टेज वन रिटेन में आपको कोई बेनिफिट नहीं, आपका स्टेज स्टेट का जो भी कट ऑफ जाएगा, मेल फीमेल सबकी बात कर रहा हूं मैं, आपका जो भी कट ऑफ जाएगा स्टेट का, आप सभी लोग उसी कट ऑफ को पार करोगे, एक भी नंबर का आपको फायदा यहां नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात है एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए, यहां पे बोल दे जो रिटेन हो ना स्टेज वन है, ये एक्सपेंडेड है, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको रिटेन एग्जाम देना ही नहीं है। अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो स्टेज वन में आपको छूट है कि आप बिना दिए ओवर पास कर सकते हो इस स्टेज को, यानी डायरेक्टली फॉर्म भरोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेज टू के लिए बुलाए जाओगे, स्टेज वन आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, ठीक है, बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए। एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो रहेंगे वो डायरेक्टली पास माने जाएंगे स्टेज टू के लिए, बट ए बी वाले नहीं माने जाएंगे, इस चीज को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या सर ए बी को कोई बेनिफिट नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन होता है नेवी में वो स्टेज टू वाले पे होता है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है या कह दो पासिंग है, यहां क्वालिफाई करके आ जाओगे ये नंबर आपका कचड़े के ढेर में चला जाएगा। कहने का मतलब उस नंबर का आगे यूज नहीं है, एडमिट कार्ड यूज, एडमिट कार्ड को मत कचड़े में फेंक देना ना, वरना कोई फायदा नहीं, आपका ये नंबर यहीं पर रुक जाता है। अगर आपने स्टेज वन क्वालिफाई कर लिया तो वो नंबर अब किसी काम का नहीं है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को एग्जाम भी नहीं देना है। अब आते हैं स्टेज टू, ये हमारा सिलेक्शन है, जो आपका कट ऑफ बनाता है वो ये बनाता है, ठीक है, ये हमारा क्या बनाता है, कट ऑफ बनाता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का फायदा होता है, नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो आग अगर एसएसआर की तैयारी करो, किसकी एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, तो ए सर्टिफिकेट वालों को कितना नंबर मिलेगा, इनको 2 नंबर मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जो भी आपका नंबर होगा, आपका नंबर 40 होगा तो 42 माना जाएगा, 45 होगा तो 46 माना जाएगा, 47 ऐसे करके, ठीक है। और अगर आप एमआर में हो तो आपका एक नंबर जोड़ा जाएगा, 2% बोला है, तो 100% का 2% 2 नंबर होता है, और 50 नंबर का पेपर होता है एमआर का
उसका एक नंबर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो एसएसआर में आपको बेनिफिट मिलेगा चार नंबर का, कितने नंबर का, चार नंबर का, और एमआर में बेनिफिट मिलेगा दो नंबर का। ये हमारा बी सर्टिफिकेट, ये हमारा ए सर्टिफिकेट। और मैं बात करता हूं अब अगला आपका एनसीसीसी सर्टिफिकेट का, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये ए है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये हम ए सर्टिफिकेट की बात करें, ये हम बी सर्टिफिकेट की बात करें, ये सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट के अंदर एमआर को 6% का फायदा होगा यानी तीन नंबर, और एसएसआर को सीधे सीधे 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को पहला तो स्टेज वन एग्जाम भी नहीं देना, और स्टेज टू जो आप एग्जाम दोगे उसमें 6 नंबर जोड़ के आपका फायदा होगा। सर ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, इनको क्यों इतना फायदा, हम भी तो पढ़ रहे। देखो एनसीसी में बच्चे अपनी जिंदगी खपा देते, उस वक्त अपने वक्त को गुजारते जब हम लोग बोर्ड एग्जाम नंबर के पीछे भाग रहे थे, वो इस सब चीजों की पहले से प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बहुत कुछ वे सैक्रिफाइस करते अपनी लाइफ में। एनसीसी कैडेट बनना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है कि इनको बेनिफिट मिल रहा है। इनको बेनिफिट बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये सच में सोसाइटी से हट के बहुत भला काम करते हैं इस दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, तो इसलिए बनता है इनका, ठीक है, इतना बनता है। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नफरत वाला हेटफुल वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं, रेस्पेक्ट होना चाहिए इनका, ठीक है। तो ये आपके हैं ए बी सी सर्टिफिकेट वाला बेनिफिट जो भी आपके सामने, ओके, अब समझ गए होगे आप सभी लोग। मैं इसको एक बार समराइज्ड कर देता हूं वापस, ये देख लो ऑफिशियल, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, पूरा अपडेट आपके सामने। मैं काम करता हूं हर एक चीज को समराइज्ड कर देता हूं यहां पे अपने तरीके से, ओके, एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको पूरा एक जगह अच्छे से समझा दे रहा हूं। सबसे पहला चीज मैं बात करता हूं ए सर्टिफिकेट वालों का, एनसीसी ए सर्टिफिकेट की। ए सर्टिफिकेट वालों को स्टेज वन में कोई फायदा नहीं, स्टेज वन कोई फायदा नहीं, आपको देना पड़ेगा एग्जाम। बी सर्टिफिकेट वाले स्टेज वन देंगे, बिल्कुल देंगे, 1% का भी फायदा नहीं, स्टेज वन ये भी देंगे। और जो सी सर्टिफिकेट एनसीसी रखे हैं, आप लोगों को स्टेज वन नहीं देना है, सीधे सीधे आप जाओगे यहां पे स्टेज टू के लिए। स्टेज टू में, स्टेज टू में इनको मिलता है 2% का फायदा, ठीक है, 2% का फायदा। स्टेज टू में इनको मिलता है 4% का फायदा, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को स्टेज टू में मिलता है आप सभी को स्टेज टू में 6% का फायदा, ओके। अगर मैं नेवी एमआर और एसएसआर की बात करूंगा तो एमआर में कितना फायदा होता है और एसएसआर में, तो एमआर में इनको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है इसमें स्टेज टू में, और एसएसआर वालों को दो नंबर, इनको दो नंबर मिलता है, इनको चार नंबर, इनको तीन नंबर मिलता है, इनको छह नंबर, ये आपका रहता है, ठीक है। ये एमआर का है, स्टेज टू में एनसीसी वालों को ये फायदा होता है, एक आपका है तो एक नंबर मिलेगा, स्टेज टू में दो मिलेगा बी ग्रेड पे, और सी पे आपका रहेगा तीन नंबर, और एसएसआर के लिए दो नंबर मिलेगा सर्टिफिकेट ए पे, सर्टिफिकेट बी पे आपको चार मिलेगा, और सर्टिफिकेट सी पे आपको छह नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और स्टेज वन भी आपको नहीं देना, लेकिन सिर्फ सी सर्टिफिकेट वालों को, ए बी को स्टेज वन देना है, ठीक है। यह है आपका पूरा अपडेट। आप सभी लोग मेरे हिसाब से अब इसको लेके जो डाउट आपके दिमाग में अभी तक चल रहा था वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी लगे आपको कोई भी डाउट बचा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा इसमें, ओके। और कोई आपको डाटा चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका अपना कोई भी सिंपल सा डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब देने की, ओके। तो थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। अब साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे स्टेज वन हो चाहे स्टेज टू हो, आप सभी को पता आपको रिटन एग्जाम तो देना है, दो नंबर बेनिफिट होगा, एक नंबर होगा, जो भी आपका चार नंबर छह नंबर जो भी होगा, लेकिन फिर भी आपका कट ऑफ कितना जाता है ये आपको वीडियो देखना होगा, तो कट ऑफ पे वीडियो किया हूं। स्टेज टू की बात करूंगा तो 56-60 ये कट ऑफ जाता है, ओके, ये कट ऑफ जाता है, 60-70 भी जा सकता है स्टेज टू, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो, और पेपर भी बढ़िया ठीक ठाक आता, उतना अच्छा नहीं बोलेंगे कि स्टेज टू का टफ आता, लेकिन स्टेज वन का ज्यादा टफ आता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल है आपका रिटर्न यहाँ पे अच्छा खासा रोल प्ले करता है, और रिटर्न की तैयारी हम सभी लोग करा रहे हैं नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 का स्पेशल बैच। स्पेशल बैच क्यों, क्योंकि हम लोग इस डेडलाइन को, इस एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। महासागर बैच आपका आ चुका है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा ये, आप जाकर डायरेक्टली सर्च करते प्ले स्टोर से एग्जामपुर, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कॉलिंग नंबर भी अवेलेबल है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। इस बैच का प्राइस अभी 499 है 13 तारीख तक, 13 तारीख के बाद आपका 699 हो जाएगा, 13 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। इसके अंदर जो क्लासेस आपकी बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से
मस्त तरीके से हम लोग चलेंगे, ओके। तो ये आपका बैच है, जिसको भी जुड़ना जल्दी से जुड़ जाएगा, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। मेरा एक चैप्टर अब एंड भी होने वाला है कल, आज मोस्ट प्रोबेबली आपका एक चैप्टर एंड भी हो जाएगा। तो जिसको भी जुड़ना जल्दी से जुड़ जाएगा, 7 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, बिना टाइम वेस्ट किए एक भी दिन, ओके। तो बेहतरीन बैच है, और जाहिर सी बात है आपको सारा डाउट इसमें क्लियर भी हो गया होगा, तो बैच से भी जुड़ सकते हो और साथ में तैयारी भी कर सकते हो अच्छे से बेहतरीन तरीके से। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हो। थैंक यू, होपफुली इवेंट अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लगा। आप सभी का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।